दोस्तों अगर आप भी चेतन सकारिया को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में तीसरे वनडे मुकाबले में जहां भारतीय टीम के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, तो वहीं युवा गेंदबाज चेतन सकारिया ने अपनी छाप छोड़ते हुए टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ को भी अपना मुरीद बना लिया। इसीलिए चलिए बताते हैं आपको चेतन सकारिया के उस दिल दहला देने वाली गेंदबाजी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि चेतन सकारिया और नवदीप सैनी में कौन है बेहतरीन गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में तीसरा वनडे मुकाबला कोलंबो के मैदान पर दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के कप्तान व ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन अच्छी लय में नजर आ रहे थे और अपने 13 रन में 3 चौके भी लगाए, लेकिन दुश्मंता चमीरा ने उन्हें कैच आउट करवा दिया। पृथ्वी शॉ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वो 49 रन पर आउट हो गए। वो अपने अर्धशतक से चूक गए और उन्हें दासुन शनाकर ने LBW आउट किया। संजू सैमसन ने अपने डेब्यू वनडे में 46 गेंदों पर 46 रनों की अच्छी पारी खेली और जया विक्रमा की गेंद पर कैच आउट हो गए। टीम इंडिया का 4th विकेट मनीष पांडे के तौर पर गिरा जो कि 11 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तो कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर कुछ बड़ा नहीं कर सका। बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने 40 रन बनाए जबकि हार्दिक पांड्या सिर्फ 19 रन ही बना सके और नीतीश राणा ने अपने डेब्यू मैच में ही सभी को निराश करते हुए सिर्फ 7 रन बनाए और आउट हो गए। भारतीय टीम 43.1 ओवर में 224 रन पर आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका की टीम की शुरुआत अच्छी रही थी। सलामी बल्लेबाजों ने 35 रनों की साझेदारी करी लेकिन इसके बाद कृष्णप्पा गौतम ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को बेहद ही छोटा बना दिया क्योंकि दूसरे विकेट के लिए श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने 109 रनों की साझेदारी करी। ऐसे में गेंदबाजी करने आए चेतन सकारिया, जिन्होंने भानुका राजपक्षे को अपने जाल में फंसा दिया और वो लेग साइड की तरफ हवा में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और कृष्णप्पा गौतम ने डाइव लगाते हुए बेहद ही शानदार कैच लपका। श्रीलंका की टीम को दूसरा झटका 144 रन के स्कोर पर लगा। भारतीय टीम को अभी भी जरूरत थी विकेट्स की और विकेट्स की, क्योंकि विकेट ही एकमात्र ऐसा सहारा था जो भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करा सकता था। लेकिन चेतन सकारिया ने अगले ही ओवर में बल्लेबाजी करने आए टीम के उपकप्तान धनंजय डिसिल्वा को 2 रन के स्कोर पर ही कॉट एंड बोल्ड करके आउट कर दिया। श्रीलंका की टीम की कमर ही तोड़ दी उन्होंने। बता दें कि 151 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल चुकी थी और चेतन सकारिया पूरी तरह से अपनी लय में नजर आ रहे थे। बता दें कि शुरुआती 6 ओवर में चेतन सकारिया ने सिर्फ 30 रन ही दिए थे और 2 विकेट भी अपने नाम कर लिए थे, क्योंकि आसान नहीं होता है किसी युवा गेंदबाज के लिए जो अपने डेब्यू मैच में भी इतनी शानदार गेंदबाजी करके सभी को हैरान कर दे। वैसे आप सभी चेतन सकारिया की इस शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।